हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कंप्यूटर स्टडी जोन। आज हम बात करने वाले हैं काइन मास्टर वीडियो एडिटिंग ऐप के बारे में। इस ऐप की हेल्प से आप वीडियो में अलग अलग इफेक्ट्स, स्टाइल एंड डिज़ाइन देकर एडिट कर सकते हैं। मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप बिना वाटरमार्क के काइन मास्टर डाउनलोड कर सकते हो, काइन मास्टर को यूज़ कैसे कर सकते हो, फास्ट एंड स्लो वीडियो आप कैसे बना सकते हो। आपको काइन मास्टर से रिलेटेड जो भी डाउट है वो आज क्लियर हो जाएगा, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप YouTube पर वीडियो बनाना चाहते हो एंड उसमें अलग अलग ट्रांजिशन एंड इफेक्ट डालना चाहते हो तो काइन मास्टर आपके लिए बहुत यूजफुल है। ये ऐप Android एंड iOS डिवाइस पर अवेलेबल है। इस ऐप को प्ले स्टोर पर 100 मिलियन से भी ज़्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। अब आप समझ सकते हो कि ये ऐप कितना ज़्यादा यूज़ किया जाता है। लेकिन काइन मास्टर का यूज़ कैसे करते हैं एंड बिना वाटरमार्क के ऐप कैसे डाउनलोड करें, ये बहुत से लोगों का क्वेश्चन है। आपको बिना वाटरमार्क वाला ऐप डाउनलोड करना है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां से ये डाउनलोड कर सकते हो। जब आप ऐप ओपन करोगे तो आपको प्लस आइकॉन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करके आप अपने वीडियो के लिए एस्पेक्ट रेशियो सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी, यहाँ पर जो मीडिया लिखा हुआ है उस पर आपको क्लिक करना है एंड जो वीडियो एडिट करना है उसे सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप वीडियो का साउंड चेंज करना चाहते हो तो साउंड पर क्लिक करके आप म्यूट कर दो एंड जो म्यूजिक आप ऐड करना चाहते हो वो यहाँ से ऐड कर सकते हो। लेयर पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप इमेजेस डाल सकते हो और जो वीडियो आपको एडिट इफेक्ट्स वाला जो वीडियो है वो डालना है आप वो भी डाल सकते हो एंड टेक्स्ट भी डाल सकते हो। इस ऐप की हेल्प से आप स्टेटस साइज के वीडियो भी बना सकते हो। आपने मीडिया पर क्लिक किया, वहाँ से वीडियो सिलेक्ट किया एंड जब उसकी स्पीड है, यहाँ पर आप जो स्पीड का बटन देख रहे हैं यहाँ पर आप क्लिक करोगे और उसकी स्पीड 4x या 8x कर दोगे तो उसका साइज़ कम का हो जाएगा, 30 सेकेंड का हो जाएगा, जो व्हाट्सएप स्टेटस का साइज़ होता है। तो आप यहाँ से उस साइज़ के भी वीडियोज़ बना सकते हो, फास्ट वीडियो जो बनते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको स्लो वीडियो बनाना है तो आप उसकी स्पीड को कम कर दो, 0.25 या 0.5 समथिंग का आप कर सकते हो, जहाँ से इसकी स्पीड बहुत कम हो जाएगी एंड आपका वीडियो स्लो मोशन में बन जाएगा। जब आपका वीडियो कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ से आप रेजोल्यूशन सेट कर सकते हो, फ्रेम रेट सिलेक्ट कर सकते हो और वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हो। इस ऐप का एक फीचर ये भी है कि जब आप एडिटिंग कर रहे हो और बीच में आप कोई दूसरा वर्क करने लग गए और काइन मास्टर से आप बैक चले गए, लेकिन जब आप कंटिन्यू वर्क करोगे तो जहाँ से आपने छोड़ा था वहीं से आप उसे स्टार्ट कर सकते हो। ये बहुत अच्छा एडवांटेज है इस ऐप का। काइन मास्टर के ट्यूटोरियल्स तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, बहुत बड़े बड़े वीडियोस हैं, बहुत बड़ी बड़ी प्लेलिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल हैं जिसमें डिस्क्राइब किया गया है, डिटेल में बताया गया है कि आपको काइन मास्टर ऐप कैसे यूज़ करना है। बट हर कोई चाहता है कि वीडियो आप शॉर्ट में देखो, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन करो, और जब तक आप काइन मास्टर खुद यूज़ नहीं करोगे, आप जब तक खुद चला कर नहीं देखोगे कि उसमें कैसे वर्क होता है, आप सीख नहीं पाओगे। सो आप कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को प्रैक्टिस में रखो, तभी आपको ये ऐप और अच्छे से चलाते बन जाएगा। आपने मेरे प्रीवियस जितने भी वीडियो देखे होंगे, मैंने सभी की एडिटिंग काइन मास्टर ऐप पर ही की है। इस वीडियो की एडिटिंग जो आप देख रहे हैं, इसकी भी एडिटिंग मैंने अपने मोबाइल पर ही की है। अगर आप एडिटिंग एंड काइन मास्टर से रिलेटेड और वीडियो चाहते हो और इसकी और ट्यूटोरियल्स वीडियो चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। साथ ही डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है वहाँ से आप विदाउट वाटरमार्क वाला ऐप डाउनलोड कर सकते हो एंड वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब अगर से अभी तक भी नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो।